हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोजुमित यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग फ़ोटो क्लिक करते ही होंगे। अगर आप लोगों के पास DSLR कैमरा नहीं है तो आप लोग फ़ोटो क्लिक करके उस फ़ोटो को घंटे या दो घंटे में एडिट करके DSLR जैसा लुक देते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो ऐप के बारे में बताऊंगा, उस ऐप से अगर आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपको DSLR जैसा फ़ोटो मिलेगा। मतलब आप जो ब्लर DSLR का तरह अपना फ़ोटो में एडिट करके देते हैं, आपको सेम टू सेम ब्लर मिलेगा। आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, एक घंटा दो घंटा कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ एक क्लिक में आप लोग DSLR जैसा फ़ोटो खींच सकते हैं, या फिर आपका गैलरी में जो भी फ़ोटो है आप उसे भी DSLR जैसा लुक दे सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। तो इसके लिए मेरा ये वीडियो जो है एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी सारी ट्रिकी वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो फिर आप प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए और उसके बाद सर्च बार में टाइप कीजिए ऑटो ब्लर। तो आपको फर्स्ट एक ऐप दिख रहा होगा, ब्लर फोटो बैकग्राउंड, तो आप इसे क्लिक कर लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए मेरा यहाँ पर अपडेट शो कर रहा है। तो मैं इसे अपडेट नहीं करूँगा, मैंने जो डाउनलोड करके रखा है पहले इसे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ ऐप जो है ओपन हो चुका है। आप यहाँ नीचे प्लस का बटन देख सकते हैं, आप यहाँ क्लिक कीजिए। तो यहाँ दो ऑप्शन है, पहले है कैमरा का और दूसरा है गैलरी का। तो आप पहले गैलरी में जाइए और अपना गैलरी में जाके आप जो कोई भी एक फ़ोटो को चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे चूज़ कर लेता हूं। आप देख सकते हैं सिंपल सा ये जो फ़ोटो है, एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड नहीं है ब्लर। तो अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा देर यहां वेट करना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड जो है ब्लर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। आपको यहाँ कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिंपल आपको सिर्फ फ़ोटो को चूज़ करना होगा। कुछ टाइम लग रहा है यहाँ, तो आप देख सकते हैं फ़ोटो जो है ब्लर हो चुका है। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फ़ोटो जो है यहाँ ब्लर हो चुका है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा ही है, उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। मतलब आपको बिना मेहनत किए अगर ब्लर किया हुआ एक फ़ोटो मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा बात है। आप यहां से ब्लर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपका जो मर्जी आए। तो दोस्तों, ये था गैलरी का जो फ़ोटो है, आप उसे ब्लर कर सकते हैं। इसके बाद आता है आप कैमरा का फ़ोटो भी ब्लर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कैमरे को ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों, कैमरा ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से अगर आप कोई भी पिक्चर को क्लिक करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक से ब्लर आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।